तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। ये अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि राजस्थान में जवाबदेही कानून पारित हो, जिससे हमारे जो तंत्र है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी जनता के प्रति जवाबदेही हो। वो अपने बड़े अफसरों को तो जवाबदेही होते हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं होते हैं। तो वो जनता के लिए जवाबदेही हो। अगर कोई शिकायत करता है तो भी, अगर कोई आवेदन देता है तो भी, तो उसकी पूरी सुनवाई हो, उसके ऊपर कार्यवाही हो, उसमें लोगों की भागीदारी हो, और ख़ास करके जब लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनकी सुरक्षा भी हो। तो ये सब डिमांड के साथ ये जवाबदेही कानून पास करने की बात कर रहे हैं, और ये यात्रा अलग अलग जगह जाएगी, इस लोगों के साथ इस कानून के बारे में चर्चा करेगी और लोग इस कानून को बनाएंगे। जैसे सूचना का अधिकार कानून भी यहीं से बना था, और वो चौराहे के लोग थे जिन्होंने इस कानून को बनाया। उसी तरीके से देश के इतिहास में अकाउंटेबिलिटी लॉ यानी कि जवाबदेही कानून बनने जा रहा है, और हमें बहुत खुशी है कि वो राजस्थान की जनता इस कानून को बनाएगी, और हमें बहुत आशा है कि राजस्थान की सरकार जल्दी से जल्दी इस कानून को पास करेगी। ये यात्रा कल जयपुर से शुरू हुई है और 50 दिन तक अलग अलग जिले और तालुकों के जगह पे जाएंगी, और हर जगह वो लोगों को और प्रशासन को इस कानून की क्यों ज़रूरत है वो बताएंगी, कि क्यों चाहिए वो जवाबदेहिता, ताकि सुनिश्चित हो लोगों के काम बिना रिश्वत दिए, बिना धक्के खाए, बिना वो गोते खाएं उनके काम हों। तो हम इस कानून की सपोर्ट में, इस यात्रा की सपोर्ट में गुजरात से आए हैं, और गुजरात में सूचना का अधिकार अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, और वहाँ से इस अभियान को एक हमारी सम्मति और हमारा सपोर्ट के साथ आए हुए हैं। मेरा नाम पंक्ति है और माहिती अधिकार गुजरात पहल, गुजरात का सूचना अधिकार का अभियान से हूँ। ये एक जवाबदेही कानून की मांग हम उठा रहे हैं, और सरकार का खुद का वादा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। गहलोत साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जवाब दे दूँगा, और ये कानून का मसौदा बना हुआ तैयार पड़ा है, लेकिन ये जवाबदेही कानून अभी तक उन्होंने पास किया नहीं, और वो अपनी मजबूरियाँ बार बार गिनाते रहते हैं कि। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप जब तक इस कानून को पारित नहीं करोगे कि लोगों के काम दफ्तर में नहीं होते हैं, तो कैंप में क्या करोगे आप? आप कैंप लगाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी जब आप लोगों के काम अपने आप ही करने लग जाओ? तो कर्मचारी और अधिकारी काम करे, नहीं करे तो उनके ऊपर क्या दंड, जुर्माना, पेनल्टी कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं होगा तो वो काम कभी भी नहीं करेंगे, और हमेशा आपको कैंप ही लगाने पड़ेंगे। तो ये एक तरह से ये कानून ऐसा है जो और कानूनों को चलाने वाला कानून है, कि आप उन कर्मचारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि की जवाबदेही तय करो। आप कह देते हो हम ये काम करेंगे, वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये जयपुर से रवाना हुई है, और कल जयपुर से लॉन्च हुई, वहाँ से रवाना हुई, और अब हम 2 फरवरी तक चलेंगे। आज अजमेर पहुँचे हैं, और आज अजमेर रुकेंगे यहाँ, कल हम आगे निकलेंगे। कल मेन उद्देश्य इस कानून को पास करवाना है, और जनता को समझाना भी है, सरकार को भी समझाना है। हम जनता को भी कह रहे हैं कि ये कानून कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और सरकार को हम कह रहे हैं कि आप ये कानून पास क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि सरकार जब कर्मचारी और अधिकारियों के दबाव में आ जाती है तो वो कभी करेगी नहीं, कभी सुनेगी नहीं, और हमेशा ही ऐसे कैंप वैम्प करा के वही करेंगे। मेरा नाम शंकर सिंह है, और मैं इस यात्रा के साथ पूरे टाइम जुड़ा हुआ हूँ।